हेलो राधे राधे दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि अगर हमारे लड्डू गोपाल खंडित हो जाएं तो हम क्या करें, हम उन्हें विसर्जित कर दें या फिर हम उनकी पूजा करें कि नहीं करें। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो अगर उनका हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, तो अक्सर मन में इंसान लोगों के मन में आता है कि लोग पेड़ के नीचे रखाते हैं या फिर कहीं निर्जन स्थान पे उन्हें छोड़ आते हैं। तो मुझे ये बहुत गलत लगता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जिनकी पूजा हमने इतने सालों से हम कर रहे हैं, जिनकी पूजा सेवा हम इतने सालों से कर रहे हैं और हम उनको एक पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, तो कैसा फील होता है। हम तो मुझे नहीं सही लगता है, मैं अपने विचार आपको बताती हूँ। या बहुत से लोग नदी में प्रवाहित कर देते हैं, मुझको वो भी ठीक नहीं लगता है। तो क्या करें हम, तो हम आपको एक मतलब बताना चाहेंगे कि एक हमारे मित्र थे, मतलब एक प्रेमी जी थी, तो वो उनके लड्डू गोपाल का पैर टूट गया था। तो वो बांके बिहारी मंदिर में गईं और वो बहुत परेशान थीं, क्योंकि 10 सालों से वो उनकी पूजा सेवा कर रही थीं और वो बहुत सोच रही थीं कि अब मैं क्या करूं, कि मैं लड्डू गोपाल की कि मैं उनको रखूं कि नहीं रखूं। क्योंकि हमारे यहाँ यही मानना है कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा हम नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें मंदिर में नहीं रख सकते हैं। ये एक सामाजिक तौर पे लोगों का मानना है और ज़्यादातर सभी घरों में ऐसा ही माना जाता है। और तो ये है, तो वो बांके बिहारी मंदिर में गईं तो वहाँ एक गुरु जी हैं, तो वो उनसे पूछती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनका पैर टूट गया है, तो हम क्या करें, क्या हम उनको पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं या हम उन्हें नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। पर उनके मन में ना एक ये था कि उनका मन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ करें। पर लेकिन हमारे यहाँ मानना है कि हम मतलब खंडित मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो बहुत परेशान थी। तो वो पूछते हैं उनसे गुरुजी कि आपको अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कितना समय हो गया है और आप कब से उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं। तो वो बताती हैं कि मुझे 10 साल हो गए हैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करते हुए, और मैं 10 साल से उनकी पूजा सेवा कर रही हूँ। तो वो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि अगर आपका पुत्र आपके बेटे, आप उन्हें किस रूप में मानती हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने उनको हमेशा एक बच्चे के स्वरूप में उनकी पूजा सेवा अर्चना करी है। तो वो पूछते हैं अगर आपका पुत्र 10 साल का हो जाए और उसकी एक पैर टूट जाए, तो क्या आप उसको छोड़ देंगी या उसको आप कहीं ऐसे ही त्याग देंगी। तो वो अपनी आँखों में आँसू ले आती हैं तो वो कहते हैं कि आप उनको छोड़िए नहीं, आप उनकी पूजा अर्चना सेवा कीजिए। तो वो अपने लड्डू गोपाल उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और उन्हें उस प्रश्न के उत्तर से बहुत तृप्ति भी मिलती है। देखिए, ये तो एक भावना है, और जैसे कि मुझे भी ये चीज़ सही नहीं लगती है कि आप इस तरह से किसी निर्जन स्थान पर छोड़ आइए। आप खुद ही सोचिए, इनकी पूजा अर्चना हमने इतने सालों से हम कर रहे हैं और फिर एकदम से हम उन्हें किसी ऐसे स्थान पे छोड़ आएँ जहाँ पर उनका कोई ध्यान ना रखे, कोई पैरों से मारे या कुछ भी करे, तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम जैसे कि बहुत सी जगह मूर्ति जोड़ने वाले भी होते हैं, तो आप उनका पैर ठीक करा लीजिए। अगर आपकी मूर्ति खंडित हो गई है तो आप उनको ठीक करा लीजिए, नहीं तो एक सील भी आती है बाज़ार में, आप उस सील को लगाकर भी पैर जोड़ सकते हैं इस तरह से। या फिर
वो तो एक भाव के भूखे हैं बस, और कुछ नहीं मांगते हैं वो हमसे। तो बस आप, तो आप इस तरह से उनकी मूर्ति को मतलब जोड़ के आप पूजा कर सकते हैं। और ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं समझ आता है, मुझे जो ठीक लगता है मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि नहीं, खंडित मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये है। लेकिन जिनकी हम पूजा इतने सालों से कर रहे हैं, अगर हो सके तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूर्ति खंडित हो भी गई है तो आप उनको ठीक करा लीजिए। क्योंकि जहाँ मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ ठीक करने वाले भी, मूर्ति को ठीक करने वाले या उनका पैर सही करने वाले, या जो भी आपका खंडित हो गया, हाथ टूट गया है, आप उसको जोड़वा लें तो ज़्यादा सही लग रहेगा। ये तो उनकी प्रश्न, उन्हें उस उनकी बात से बहुत तृप्ति प्रदान होती है उनको, और वो अपने लड्डू गोपाल को लेके घर आ जाती हैं। वो किसी निर्जन स्थान पे या नदी में प्रवाहित नहीं करती हैं अपने लड्डू गोपाल को, और वो वैसे ही पूजा करती रहती हैं उनकी। तो आप इस तरीके से उनकी मूर्ति को सही करा के और उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी आप पुत्र के रूप में मानती हैं तो आप कैसे उनको विसर्जित कर सकती हैं, मुझको बिल्कुल नहीं समझ आता, और मुझको ठीक भी नहीं लगता। ये तो मेरे विचार हैं। और तो कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपको देती रहूँ। तो यही सब चीज़ें हैं बस। और अपने माधव का भोग लगाइए, 3-4 टाइम उनको भोग ज़रूर दीजिए, और उनके उनका भजन का आनंद लीजिए। राधे राधे कृष्णा हरे रामा, इस मंत्र का जाप करते रहिए। तो चलिए, राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।